करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। नहीं जैसा कि थंबनेल देख के आपको पता चल ही गया होगा कि आज हम जाने अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। जाने वाले गुलगश्त के सबसे अच्छे, मतलब मेरी नज़र में जो है ना सबसे अच्छा जो है वो रेस्टोरेंट है, क्योंकि पहला हमारा एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा था। दी स्पाइस लाइफ रेस्टोरेंट का नाम है, हम वहाँ पर जाने वाले हैं। तो यहाँ पर मैं वीडियो बना रही थी, हस्बैंड जो है वो बाइक जो है वो राइड कर रहे थे, तो ये थोड़ी सी मेरी जबलियाँ सी हैं। समझ रहे हो ना। ये मेरी, हम पहुंच चुके हैं द स्पाइस लाइफ रेस्टोरेंट जो है, और यहाँ पर उरी आयत को जैसे ही बाइक से उतारा ना, ये इस तरह भागी हैं जैसे कि इनको खाने के लिए कुछ दिया ही नहीं है इतने दिनों से। हालांकि ये पेट भर के काके भी आई थी, और फिर भी वो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन कभी कभी इस तरह होता है कि घर बैठे बैठे इंसान इतना बोर हो जाता है कि दिल करता है कि कहीं बाहर जाए, आउटिंग करे। अच्छा, हस्बैंड को जब भी मैंने जल्दी आने के लिए कहा है शॉप से, वो हमेशा कहते हैं कि बहुत मुश्किल काम है, हम शॉप बंद कर आना काम होता है, घर जल्दी आ जाना और सारे काम पेंडिंग रह जाते हैं। तो फिर जॉब छोड़ दूँ यार, कभी कभी तो होना चाहिए ना, कभी कभी तो बच्चों को लेकर जाना चाहिए कहीं आउटिंग भी। बच्चे भी बहुत ज़्यादा बोर हो जाते हैं कि वही पढ़ना और घर में बैठे रहना, एक कमरे में बंद रहना। मेन्यू जो था वो ये चौमियन जो है ना, ये हमारी कॉमन है ना, ये डिश जो है जो हमने पहले भी हम आए थे हमने यही खाई थी, मुझे बहुत पसंद है यहाँ के चौमियन। और ये जो नई डिश हमने मंगवाई थी ये भी बहुत पसंद थी मुझे, रशीद कॉर्नर जो है ये मेरा फेवरेट है। मतलब यहाँ की आइसक्रीम, यहाँ के जंक फूड्स बहुत ही मज़े के हैं, यहाँ की आइसक्रीम तो कंट्रोल के हैं, यहाँ की आइसक्रीम तो लाजमी हमने खानी होती है, और यहाँ के जो उनसे शेक्स होते हैं वो भी बड़े बेस्ट होते हैं, और इनके रेट्स भी